नमस्कार, EMS TV में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने DDCA में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान में गुरुवार को मोदी सरकार को भी घसीट लिया। कीर्ति ने कहा वो सरकार के अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली के विरुद्ध अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। सांसद ने दावा किया कि CBI अब भी पिंजड़े का तोता ही है। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 3 हफ्ते से राज्यपाल शासन लागू है। पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये फैसला नहीं ले पा रही है कि बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रखना है या नए चुनाव की तैयारी करना है। PDP ने हालांकि अभी तक बीजेपी के समर्थन से दोबारा सरकार गठित करने का कोई संकेत नहीं दिया है। कोलकाता की एक अदालत के चर्चित कामधुनी गैंगरेप और हत्या मामले में गुरुवार को 6 व्यक्तियों को दोषी ठहराने के बाद शुक्रवार से सजा पर बहस शुरू होगी। संभवतः कोर्ट आज फैसले का ऐलान कर सकती है। 7 जून 2013 को 21 वर्षीय एक कॉलेज छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। अदालत ने इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा द्वारा पारित विवादास्पद आतंकवाद रोधी विधेयक अतिरिक्त सूचना मांगते हुए लौटा दिया, जिसके बाद इस विधेयक को वापस ले लिया गया। इसे केंद्र की पिछली संप्रग सरकार 2 बार खारिज कर चुकी थी। गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध विधेयक 2015 को राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को लौटाते हुए विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में और अधिक जानकारी मांगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक देश में सामाजिक भेदभाव बरकरार है, आरक्षण नीति जारी रहनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी के डांस अकादमी के लिए करोड़ों की जमीन 70,000 रुपए में दे दी। ये खुलासा एक RTI कार्यकर्ता द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सामने आया है। इस खुलासे के बाद राजनीतिक हलकों में एक नया विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जारी अपने संस्मरण में कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाना प्रधानमंत्री राजीव गांधी का गलत निर्णय था। बाबरी मस्जिद गिराया जाना पूर्ण विश्वासघात, जिसने भारत की छवि नष्ट कर दी। राष्ट्रपति ने पुस्तक द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1996 में लिखा है, राम जन्मभूमि मंदिर को 1 फरवरी 1986 को खोलना शायद एक और गलत निर्णय था। लोगों को लगता है कि इन कदमों से बचा जा सकता है। पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को फटकार लगाई गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ग्रीन पीस और फोर्ड फाउंडेशन का हवाला देते हुए NGO और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने और विदेश फंड रोकने के लिए मोदी सरकार को जमकर कोसा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा बंद करती दिखाई नहीं दे रही। अपने फैसलों से लगातार विवादों को हवा दे रहे केजरीवाल सरकार के मंत्री ने अधिकारियों के खिलाफ एक और फरमान जारी किया है। पहले 2 सीनियर अधिकारियों को फरमान न मानने के लिए पिछले महीने सस्पेंड करने के बाद अब सत्येंद्र जैन ने उन्हें आधी सैलरी ही देने का एक नया आदेश जारी कर बवाल बनाए रखा है। भारत सरकार ने गुरुवार को कहा है कि गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान से उड़कर आए गुब्बारे का मुद्दा, जिसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने मार गिराया था, पाकिस्तान से होने वाली बातचीत के दौरान औपचारिक रूप से उठाया जाएगा। गौरतलब है कि एक सुखोई SU-30 विमान ने वायुसेना के राडार पर गुब्बारे को देखे जाने के बाद उसे गिराने के लिए लगभग 100 गोलियां दागी थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर Google Play में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।